हाउ टू इंस्टॉल आई ओ एस 18 स्टेबल अपडेट आफ्टर इंस्टॉलिंग द बीटा अपडेट। और राइट गाइस, तो यदि आपने आई ओ एस 18 की बीटाज अपडेट को इंस्टॉल किया है तो कैसे आप दोबारा से स्टेबल अपडेट की तरफ जा सकते हैं। मुझे काफ़ी कमेंट रिसीव हुए कि हमने जो अपने आईफोन के ऊपर आई ओ एस 18 की डेवलपर बीटा या फिर पब्लिक बीटा को इंस्टॉल कर लिया है तो अब कैसे हम जो है स्टेबल अपडेट को इंस्टॉल कर पाएंगे जब ये रोल आउट होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों आज के दिन जो है आपको आई ओ एस 18 की पब्लिक बीटा देखने को मिल जाएगी। तो अभी जो टाइमिंग है यहाँ पे 10:24 हो रही है, तो ये अभी जो है टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है 10:30 से, और ये 12 बजे के बीच जो है आपको अपडेट रोल आउट होता हुआ दिखाई देगा। आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। पब्लिक बीटा की बात हो रही है आई ओ एस 18 की, अगर आज नहीं मिला तो ये मॉर्निंग तक आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा, बट चांसेस हैं कि आज ही आपको अपडेट आई ओ एस 18 पब्लिक बीटा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जाना आप सेटिंग्स के ऊपर, और यहाँ पे जाने के बाद आपको जनरल पे जाना है, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना, और बीटा अपडेट को आप ऑफ ही रखो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं इनको आप इनेबल रखने की, और यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट को, ठीक है। और यहाँ पे आप जाएंगे तो इस तरीके से आपको जो है डेवलपर बीटा शो कर रहा है अभी, और यहाँ पे जो है आपको आई ओ एस 18 की पब्लिक बीटा एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसको आप सेलेक्ट कर देना। बैक करेंगे तो वहाँ पे आपको पब्लिक बीटा देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब सवाल यही है कि अगर हम पब्लिक बीटा या फिर डेवलपर बीटा इंस्टॉल कर लेते हैं तो जब इसका स्टेबल अपडेट रोल आउट होगा जो कि आई थिंक सेप्टेम्बर में, तो कैसे हम इसको मूव करेंगे, यानी कि अगर हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर रहे हैं अभी बीटास अपडेट, कैसे हम जाएंगे उस वाले अपडेट के ऊपर, ठीक है। तो देखो इसके लिए आपको करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो आपका ये डेवलपर अपडेट है और जो पब्लिक अपडेट है ये दोनों सेम ही होगा, यानी कि यहाँ पे डेवलपर बीटा अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है तो आज के दिन जब ये पब्लिक बीटा आएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ऑलरेडी एक तरीके से सिमिलर अपडेट ही होता है। इसका देखना आप बिल्ड नंबर, डेवलपर बीटा एंड पब्लिक बीटा का दोनों ही बिल्ड नंबर सेम ही होता है, ठीक है। बस मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डेवलपर अपडेट है वो डेवलपर्स के लिए लाया जाता है और जो पब्लिक है पब्लिक के लिए। बट ये होता है क्या कि अगर आप पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो इसमें कोई खास चेंजेस नहीं होते हैं, बिल्ड नंबर सेम होगा, बस इनकी स्टेजेस चेंज होती हैं, ठीक है। तो यदि आप कोशिश करेंगे कि मैं जो है यहाँ पे डेवलपर अपडेट से पब्लिक अपडेट में चला जाऊँ तो ये एक तरीके से आपका पब्लिक बीटा ही है, ठीक है। जो आपने डेवलपर बीटा इंस्टॉल किया है वो आपका पब्लिक बीटा ही है। इसका जो यहाँ पे बिल नंबर है वो बिल्कुल ही सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से आरसी अपडेट आएगा, उसके बाद यहाँ पे कह लें कि जो स्टेबल अपडेट है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो लोग यहाँ पे अभी के टाइम बीटास अपडेट इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने भी इंस्टॉल किया है अपने आईफोन 14 प्रो मैक्स में, जिससे मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो उसमें जो है मैं डेवलपर बीटा इंस्टॉल करके रखा हुआ हूँ। तो अभी देखो क्या करना है, इस तरीके से जाता हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं जनरल पे जाऊँगा और इस तरीके से जाओ, सबसे पहले एक काम आप करो, अगर आप चाहते हो कि जब इसका स्टेबल अपडेट रोल आउट हो तो हमें इसका स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाए, तो आपने क्या करना है, नहीं तो आपको क्या होगा कि जब इसका स्टेबल अपडेट भी आ जाएगा तो भी आपको शो नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप बीटा अपडेट इंस्टॉल करते रहेंगे ना तो ये एक तरीके से आपका स्टेबल अपडेट ही लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनके बिल्ड नंबर सेम ही होते हैं। तो आप क्या करो, सबसे पहले ऑटोमेटिक अपडेट को ऑफ कर दो जाके। दूसरा है कि यहाँ पे बीटास अपडेट, अगर आप चाहते हो कि यार जब स्टेबल अपडेट आए तो हमें सिर्फ स्टेबल अपडेट ही इंस्टॉल करें, तो आप ऑफ कर दो, ठीक है। जो इंस्टॉल हो गया आपके फ़ोन में हो गया, जो आपने डेवलपर या फिर पब्लिक बीटा इंस्टॉल कर ली है, ठीक है, पहले कर ली थी, आप मत करो, यहाँ पर उसको ऑफ कर दो, जितना चला चलने दो, जब इसका स्टेबल अपडेट आएगा तब आपको यहाँ पे एक स्टेबल अपडेट ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे यानी कि उसका अपडेट देखने को मिल जाएगा, वो आप कर सकते हो। तो यही है कि आप अभी बीटास अपडेट ऑफ कर दो, जो इंस्टॉल कर लिया कोई बात नहीं, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने डेवलपर बीटा इंस्टॉल कर लिया है तो आज के दिन जब वो पब्लिक बीटा आएगा तो वो एक तरीके सेम ही होता है, कोई चेंजेस नहीं होगा, बिल नंबर सेम होगा, तो इसी तरीके से आरसी होगा, इसी तरीके से स्टेबल। तो इससे बढ़िया बस आप जितना इंस्टॉल कर चुके हैं कर लो, ऑफ कर दो इसको। और अगर आपको बीटास अपडेट इंस्टॉल करनी ही है तो आपको पता है पब्लिक बीटा एंड डेवलपर बीटा आती रहती हैं, ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, इंस्टॉल कर लो। तो जिनका भी सवाल था कि यार हम कैसे मूव कर सकते हैं, यानी कि अगर हम बीटास अपडेट इंस्टॉल कर रहे हैं अभी के टाइम तो कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे जब इसका स्टेबल अपडेट रोल आउट होगा, तो इसका यही एक तरीका है कि आप बस बीटास अपडेट ऑफ कर दो, जो इंस्टॉल कर लिया था ठीक है, अब जब उसका स्टेबल अपडेट आएगा तो यहाँ पे खुद ही आपको अपडेट शो हो जाएगा, ठीक है। बट यदि आप कंटिन्यूसली बीटास अपडेट इंस्टॉल करते जाएंगे तो आपको लास्ट में वही एक आपका जो स्टेबल अपडेट आएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा जो आपने बीटास अपडेट यूज़ किए हैं, तो फिर कहोगे आपको कि भाई मेरे को यहाँ पे स्टेबल अपडेट शो ही नहीं कर रहा है। तो बढ़िया है, अभी आप इनको ऑफ कर दो, जब इसका स्टेबल अपडेट आएगा तो आप इजीली मूव कर पाएंगे। और इसके लिए आपको कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप की जरूरत है नहीं, डाउनग्रेड वगैरह मत करो, जो है सही है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।